अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे काइन मास्टर के ऊपर से वाटरमार्क को रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंदर देखिए ताकि आपको सारी समझ आ सके आप ये काम कैसे करेंगे। दोस्तों अगर तो आप वीडियो एडिटिंग करते हैं काइन मास्टर के अंदर, तो आप जानते होंगे कि जब आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको एक वाटरमार्क नज़र आता है जिसके ऊपर लिखा होता है मेड विद काइन मास्टर। और दोस्तों आप मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि आप कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं, और दोस्तों कैसे आप एक प्रीमियम वर्जन को, जो कि काइन मास्टर का प्रीमियम वर्जन है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के बाद दोस्तों आप अपनी वीडियोज़ को प्रोफेशनली एडिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस काम के लिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि काइन मास्टर का जो वाटरमार्क है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर गैलरी के ऊपर जाता हूँ। गैलरी के ऊपर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, तो दोस्तों आपकी वीडियोज़ के ऊपर इस तरह का वाटरमार्क नजर आता है, जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर क्या करना है कि मैं इसको बताऊंगा कि आपको रिमूव इसको कैसे करेंगे। इस काम के लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना यूसी ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ। आप क्रोम ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप फायरफॉक्स यूज़ करें आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर सर्च बार के ऊपर क्लिक करता हूँ। सर्च बार के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर दोस्तों सर्च करता हूँ apkdone.com, और सर्च करने के बाद दोस्तों इस वेबसाइट के ऊपर मैं चला जाता हूँ। जैसे दोस्तों मैं इस वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर दोस्तों आपको नज़र आ रहा है कि इसका इंटरफेस कैसा है। तो बहुत ही ईजी इंटरफेस है दोस्तों इसका। तो यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है कि यहाँ पर सर्च बार के ऊपर क्लिक करना है। सर्च बार के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं दोस्तों सर्च करता हूँ काइन मास्टर, और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर सर्च बार के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे दोस्तों मैं सर्च बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि काइन मास्टर मोड। तो यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करता हूँ, काइन मास्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है काइन मास्टर मोड APK, और यहाँ पर आगे वर्जन लिखा है, और उसके बाद दोस्तों फुल अनलॉक्ड। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको कि मोड के जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नज़र आ रहा है कि अनलॉक है, उसके बाद दोस्तों एड्स और सर्विस जो है ये डिसेबल हैं, साथ ही साथ दोस्तों नो वाटरमार्क। तो यही दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो वाटरमार्क है हमें रिमूव करना है, तो डाउनलोड APK के ऊपर क्लिक करेंगे। डाउनलोड APK के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, ये जो ऐड आया है। और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डिफरेंट जो है वो ऑप्शन नज़र आएंगे। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो मेरी डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर मैं 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर दोस्तों जो मेरी फाइल है वो डाउनलोड हो रही है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों ये डाउनलोड हो जाती है, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि बहुत ही ईजी है जो वाटरमार्क रिमूव करना होता है काइन मास्टर के ऊपर से। और इसके बाद दोस्तों आप अपनी वीडियोज़ को प्रोफेशनली एडिट भी कर सकते हैं, और इस तरह से दोस्तों लोग आपको प्रोफेशनल भी समझते हैं। क्योंकि अगर दोस्तों आपकी वीडियोज़ के ऊपर कोई भी वाटरमार्क होता है तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये जो है वो प्रोफेशनल नहीं है और इस तरह की चीज़ें। तो आप इस तरह से जो है वो वाटरमार्क रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं वीडियो को। तो दोस्तों हमारी जो APK फाइल है वो इंस्टॉल हो चुकी है, तो हम इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे दोस्तों मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सिक्योरिटी, तो यहाँ पर मैं सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं अननोन सोर्सेज को जो है इनेबल कर दूँगा। इनेबल करने के बाद मैं इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद दोस्तों मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे दोस्तों मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद दोस्तों जो मेरी एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो मेरी एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुकी है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो हमारी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं काइन मास्टर मोडेड बाय स्टेबिरॉन, और उसके बाद दोस्तों मैं एलो कर दूँगा। करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर स्क्रॉल करना है। जैसे दोस्तों हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से 16:9 रेशियो रख लेंगे। 16:9 रेशियो रखने के बाद हम यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर मीडिया के ऊपर क्लिक करते हैं। मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद कोई भी वीडियो यहाँ से उठा लेते हैं, और इसको क्लिक करते हैं, और यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कोई भी वाटरमार्क नज़र नहीं आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एक्सपोर्ट के ऊपर, और यहाँ से दोस्तों हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम ये ऑप्शन दे रहे हैं कि हमने किस फॉर्मेट के अंदर जो है इसको एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ से दोस्तों हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी, और इस तरह से दोस्तों जो हमारा वाटरमार्क है वो रिमूव हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर भी वाटरमार्क रिमूव कर सकते हैं, जैसे दोस्तों मैंने आपको तरीका बताया। अगर दोस्तों आप नेक्स्ट भी ऐसी वीडियोज़ चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि दोस्तों मैं आपको दिखा सकूँ कि आप कैसे वाटरमार्क को रिमूव कर सकते हैं बाकी एप्लीकेशन के ऊपर भी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।